दिखाई दिया ये सेरू आए ना ही अभी तक मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं हाय दिया हाय <laughs> दिया देखिए हम कितने लोग की हैं और ये लोग तो लड्डू के भैया हैं मैंने कहा भाभी जी आप लकी कहना चाह रही हैं सही पकड़े हैं हाय <laughs> दिया हम कितने भाग्यवान हैं सच्ची कितने भाग्यशाली हैं हम कि एक तो शेर हमको भाभी जी बुला रहे हैं अभी ट्राई भी ट्राई करके कर कर देखिए शेर आपको

Beautiful lines, the distorted English. Please. <laughs> A lion uh -huh. is the king of the jungle. That's right. Yes. Yeah. Every animal afraid lion. That's right. You're good. Yeah. Lion has very, very big head. Oh yeah, yeah, yeah. With lots of hair. Oh, yes. And one big tail with hairy little hair. <laughs> oh, so well described. Lion has big mouth nah. and big teeth. Right. Yeah. And lion eats meats. No, 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 no. no, no. This lion, na, in is a vegetarian lion. I'm Mr. Lion, sister-in-law. I am mister lion i I'm totally, totally, totally vegetarian. Idea! you yeah.

अभी तो बोले रहे ना आपको बहुत बहुत अच्छा लग रहा है बहुत ही खुशी हो रहा है कि एक तो सापिद शेर हमरे साथ बैठे हैं हमरे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं भाभी जी ये शापित शेर आपके हवाले है जो चाहे कर लीजिए आप इसको स्टो चाय जैसे चाय इस्तेमाल कर सकती हैं यू कैन यूज मी मिस यूज मी आप मुझसे खेल भी सकती हैं भाभी जी यू कैन प्ले विद मी सच्ची यस अब खेल खेलेंगे बड़ा फनी खेल है लेकिन हम लोग खो खो खेल सकते हैं हम लोग अपना ये चुपी खेल सकते हैं डॉक्टर डॉक्टर खेल ले तो तेरे तेरे साथ खेलेगा। डौक्टर डौक्टर। के को बोल लोग ऐसे बात करते है छुपो वरना मैं, मैं निकल गया होता अभी तक इसको नहीं नहीं आप शांत रहिए आप तो हैं काहे

तो लग रहा शांत हो रहे हैं नहीं बाबा जी ना शांति नहीं मिल रही है शांति ना ना शांति नहीं मिल रही है दो दिन बाद बोलिए आप तब शांति मिलेगी ऐसे नहीं मिलेगी बोलिए सेरु डार्लिंग रिलैक्स <laughs> रिलैक्स आप इसे डार्लिंग रिपीट करिए ना बार बार अच्छा लग रहा है आपसे सेरु डार्लिंग right. रिलैक्स <laughs> को लगता है शांत हो गए सेरोजी भाभी जी आपने एकदम रिलैक्स कर दिया आई फीलिंग सो रिलैक्स अब किसी को ना ही खाइएगा हाँ नहीं भाभी जी आपके लिए कछुलाते हैं शाकाहारी हाँ भाभी जी आप मेरे लिए वो मूंग के पकोड़े साथ में मूली का कुच्चा और थोड़ी सी पुदीने की चटनी आई वुड लव इट ठीक बात है देख रहे हैं आप इनकी मोहब्बत में क्या क्या बनना पड़ रहा है वो तो शुक्र करिए शेर बने हुए हैं वरना कुत्ता ही बन सकते हैं जी आपने ये क्या किया क्या किया आपने इतना टॉप सीक्रेट आपने टॉपलेस कर दिया आका बोले जी मैं ये ये वो सीक्रेट है मैं किसी को बताना नहीं चाह रहा था लेकिन काहे ना ही बताना चाह रहे थे क्योंकि मैं जानता हूँ आदमजात को वो अपने मुंह में कोई बात छुपा कर रख ही नहीं सकती

तो आप कौन से शेर हैं बब्बर शेर के टाइगर शेर वैसे तो मुझे दोनों शेर बहुत पसंद हैं आई लाइक है दोनों ही चलते हैं ना साथ में आज रात को काली पहाड़ी के पीछे वाली गुफा में मैंने दो भेड़ों का इंतजाम किया है भेड़े खाकर भेड़ जाएंगे शट अप भाभी जी अगर आपने उन्हें ही दिया है तो उन्हें यकीन दिलाना बहुत जरूरी है किसी को यकीन हो या ना हो मुझे पक्का यकीन है कि आप शेर हैं पर कौन से बब्बर शेर के टाइगर शेर देखे <laughs> ये ये मैंने मेरे अंदर की शेरनी पूछ रही है <laughs> ये तो शेर का पंजा था I like it.

ऐसे ही पकड़े हैं हाय दिया वैसे हमको ना ही पता था कि अशेरों का उर्दू इतना अच्छा होता है अभी जी उर्दू शेर की जान होती है जैसे आप हमारी जान आप क्या बोले अभी जी मैंने कहा आपके लिए तो जान भी हाजिर है जान ना ही चाहे शेर चाहे चलिए भाई भाई हाय दिया का बात करे हो भूरी तुम्हारा देवर बिल्कुल भी काम ना ही करता है लेकिन एक बार तो तुम हमको बता ही रही कि तुम्हारे पतिदेव जो हैं वो तुम वो तुम्हारे देवर को एक ठो फल सब्जी का ठेला डाल कर दिए हैं का? सारी सब्जियां सड़ा दी अभी जी बात करते ही फोन पे कितनी हसीन लगती है, है ना आप क्या बोल सकते हैं मैं भूरी उका है कि हमरे मोहल्ले में भी एक थोनल ले रहते हैं। हाँ, वो भी कुछ का काम धंधा ना करते हैं। अब उका है ना कि उनकी बीबी जो है ना वो बिजनेस चलाती है तो वो आस करते हैं और का एक तो हफ्ते से ज़्यादा कहीं टिक ना ही पाते हैं और छत्तीस बार तो उनको लात मार कर निकाल चुके हैं लो 30 बार नहीं भाभी जी 75 बार ऐसा ही पकड़े हैं छत्तीस नहीं 75, 75 बार निकाल चुके हैं अब ऐसे लोगों का कुछ ना ही किया जा सकता है तुम ज्यादा तान से ना ही लो हाँ हमको लगता है तुम्हारे देवर भी उन्हीं के ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं हाँ हाँ चलो बाद में बात करते हैं हाँ? अब हाय भाई, भाई। <laughs> हिलो भरभूति जी कैसन बा भैया आप भी कमाल हैं जख्म देती है फिर खैरियत पूछती हैं क्या खूब कहा है किसी ने कि ये अदावी खूब है मेरे महबूब की बोले? ये जिससे आप मेरी भूरी भूरी तारीफ कर रही थी ये कौन था भूरी आपने क्या बोला उनको का? कि मैं नल्ला हूँ तो गलत बोले नल्ले हैं तो हैं। कम से कम आप तो मत बोलिए ना भाभी जी हमरे बोलने से क्या होता है ये तो जमाना बोलता है जमाने में आप शामिल नहीं है भाभी जी कहे ना ही है शामिल ये जमाने का ही तो हिस्सा है हम <laughs> आप भी कच्चे भी बोलते हैं सच्ची चलिए भाई भाई बहुत काम है हमको कभी किसी ने कमीना कहा कभी किसी ने कुत्ता कहा कभी किसी ने झल्ला कहा तो तब हुआ जब अपनी चाहत ने हमें नल्ला कहा